स्टूडेंट UKG, दिस इज़ योर EVS बुक, ओपन पेज नंबर 22। अवर टूडेज टॉपिक इज कलर्स। दीज आर सम कलर्स। वी ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, एंड वी वॉज लर्न रेड, ग्रीन एंड येलो स्पेलिंग्स। सो टूडे वी विल लर्न थ्री मोर स्पेलिंग्स ऑफ कलर्स। ओके, BLUE ब्लू, ORANGE ऑरेंज, BLACK ब्लैक, WHITE वाइट, BROW ब्राउन, BIOLET वॉयलेट। अब इधर देखेंगे आप, ब्लैक और वाइट हम एक साथ लर्न करेंगे, इसलिए ब्लू ऑरेंज के साथ आज आप पिंक स्पेलिंग लर्न करेंगे। ओके, PINK पिंक। इट्स वेरी इजी आल्सो, इजी टू लर्न पिंक स्पेलिंग। ओके, एंड लेफ्ट रेस्ट ऑफ द फोर स्पेलिंग्स वी विल लर्न इन आर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टुडे इज़ योर होमवर्क इज ब्लू ऑरेंज एंड पिंक स्पेलिंग्स लर्न। ओके, आई विल सेंड यू होमवर्क। सो आपको वैसे ही होमवर्क करना है। अब हम इधर देखेंगे, यू कैन मिक्स टू डिफरेंट कलर्स टू गेट अ न्यू कलर। अब इधर आप देखेंगे, टू डिफरेंट कलर्स को मिक्स करने पर एक न्यू कलर बनता है, आप करके देखना। ठीक है, पर पेरेंट्स की हेल्प से, जैसे येलो प्लस रेड, जब हम येलो और रेड कलर को मिलाते हैं तो हमको कौन सा कलर मिलता है, ऑरेंज। ओके, और रेड और ब्लू कलर को जब मिक्स करते हैं तो पर्पल कलर मिलता है, एक न्यू कलर बन रहा है ना, जो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ब्लू और येलो को जब मिलाते हैं तो ग्रीन मिलता है, कौन सा वाला ग्रीन मिल रहा है, लाइट ग्रीन। ओके, रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो ब्राउन मिल जाता है, ये वाला ब्राउन। ग्रीन एंड येलो मिक्स करेंगे तो लाइट ग्रीन बनेगा, ब्लू एंड ग्रीन मिक्स करेंगे तो ब्लू ग्रीन बनेगा, अब ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करेंगे तो ग्रे कलर बनेगा। ग्रे कलर का क्या होता है बताओ, जल्दी सोच के क्या होता है ग्रे कलर का। रेड एंड वाइट को मिलाएंगे तो पिंक बनेगा। ओके, सो योर टुडेज होमवर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू राइट कलर लाइक दिस, you have to write colors name, your today's homework is this, you have to mention EVS homework in your EVS copy and today's date 31/7/2020 UKG colors name, और आप ऐसे 1 2 3 4 6 colors के name numbers डालेंगे और यहाँ color की spelling और एक छोटे छोटे circle बनाकर उन color को आपको fill करना है। okay, it's your homework, learn and write these colors name। okay, ठीक है। Thank you.